हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक मेडिकेटेड क्रीम के बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है, कौन सी स्किन वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में कम्प्लीट रिव्यू करूँगी। स्किन ए क्रीम 10 ग्राम की पैकिंग में अवेल होती है और फार्मा कंपनी की ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। स्किन ए क्रीम को एक्नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्नी को रिमूव करती है। इसके अलावा सन डैमेज स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग जिनका बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है और उनकी स्किन जो है सन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी आप स्किन ए क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्किन ए क्रीम स्किन को फेयर करती है, ग्लोइंग बनाती है और इसको रिंकल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि फेस पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स बन जाते हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है, उसके लिए भी हम इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फाइन लाइंस बन जाती हैं फेस पर, डार्क सर्कल डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी हम इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट क्रीम है, एक्नी स्कार्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और इस पर मेंशन भी किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। ये एक्नी ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है, मेडिकेटेड क्रीम है। व्यूअर्स, ये एक ऐसी क्रीम है आप इसको फेस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बेनिफिट्स ही आपको मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है और ऑल स्किन टाइप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ, लोगों की स्किन ड्राई है तो ये उन लोगों की स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लगाने से पहले किसी भी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र आपके पास मौजूद है आप उसको पहले लगा लें और उसके बाद आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, ऑयली है, तो आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं प्लीज़ आप ही एक्नी के लिए कुछ बताएं, साथ में ये कहते हैं कि ऐसा कुछ बताएं कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और हमें उसके रिज़ल्ट भी अच्छे मिल जाएं, हमारे जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए और हमें किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो दोस्तों, मैं अक्सर मेडिकेटेड क्रीम के बारे में रिव्यू करती रहती हूँ, एक्नी के बारे में, एक्नी ट्रीटमेंट के बारे में, तो लोग कहते हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं आया, क्यों 2 दिन ही इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें कोई भी इससे फ़र्क नज़र नहीं आया। मेडिकेटेड क्रीम जितनी भी हैं वो रिज़ल्ट बहुत आहिस्ता आहिस्ता देती हैं क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल मौजूद नहीं होता। कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल मौजूद होते हैं, वो आपको फौरी तौर पर रिज़ल्ट दे देती हैं, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देती हैं, लेकिन वो आपके चेहरे पर बाद में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाती हैं। आपको जब तक आप उनको लगाते रहेंगे तो आपको वो फेयर करती रहेंगी, रिज़ल्ट देती रहेंगी, और जब आप उनको छोड़ देंगे तो वो आपके चेहरे को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करेंगी। इसलिए मेडिकेटेड क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ये रिज़ल्ट बहुत स्लो देती है, आहिस्ता आहिस्ता देती है, लेकिन बहुत अच्छे से रिज़ल्ट देती है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आपकी जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, अंदर से ये कुछ इस तरह की होती है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, आपने नाइट टाइम ही इसका इस्तेमाल करना है। आपने थोड़ी सी लेकर, थोड़ी सी मिकदार में लेकर आपने अपनी एक्टिंग पर इस तरह से अप्लाई करना है, हल्के हल्के हाथों से। इस पर जो है प्राइस और एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन की गई है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ये 140 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजीली मिल जाएगी। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं और साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं, तो आप अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेटेड क्रीम ही यूज़ किया करें क्योंकि इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता।
काफ़ी अफोर्डेबल भी होती हैं और आपकी स्किन के लिए बेस्ट होती हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।